नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। भगवान देव नारायण राजस्थान के लोगों के पूज्य हैं और उनके अनुयायी देश भर में फैले हुए हैं। विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए उनका सम्मान किया जाता है। 70 वर्षों में ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री गुज्जर समाज के आराध्य देव देव नारायण भगवान की जन्मस्थली पहुंचेंगे। भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में उनके जन्मस्थल मालसेरी में मौजूद रहेंगे एवं उनको पूजा आरती और आहुति समर्पित करेंगे। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद यह पहला मौका होगा जब गुज्जर समाज के आराध्य देव की जन्मस्थली पर बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देव नारायण को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस अवसर को और खास बनाने के लिए देव नारायण जी के 1111 अवतरण दिवस पर पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के कई हिस्सों में 1111 किलो पीले चावल आमंत्रण के तौर पर वितरित किया गया, जो राजस्थान की एक पौराणिक परंपरा है। इस खास मौके के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया, जिसमें वे शिरकत करने यहां पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़ी संख्या में राजस्थान के अलावा देश के अन्य राज्यों से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहां मौजूद रहेंगे। मोदी जी की इंतजार कल से बहुत जबरदस्ती हो रही है और भीड़ इतनी तादाद से है जो बहुत कमी आ रही है और लोग बाग आने के लिए बहुत गाड़ियां घोड़ा अफसर अधिकारी कर्मचारी सब लग रहे हैं। राजस्थान के 1 करोड़ गुर्जर समाज के लोग उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं और आज पहले हिंदुस्तान के कोई भी प्रधानमंत्री और कोई भी बड़े नेता वसुंधरा जी के अलावा यहाँ नहीं आए, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सभी राजस्थान और पूरे भारत के गुर्जर समाज के लोग उनके तन मन धन से साथ हैं और रहेंगे। माना जाता है कि देव नारायण भगवान विष्णु के अवतार हैं जिनके पास कई दैवीय शक्तियाँ थी, साथ ही साथ वे एक बड़े गौरक्षक के रूप में भी पूजे जाते हैं जिनके पास 1 लाख से ज्यादा गायें थी। भगवान देव नारायण को एक योद्धा के तौर पर भी पूजा किया जाता है जिन्होंने उस समय विदेशी घुसपैठियों को करारा जवाब दिया था। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से इस देवस्थल का विकास कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं और भगवान श्री देव नारायण जी के खीर और मालपुआ का भोग लगवाएंगे और पहले थोक लेंगे, फिर चरणामत देंगे और फिर भगवान श्री देवनाथ जी की मोदी जी आरती करेंगे। हम मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि हमारे ऐसे पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे आराध्य देव देवनारायण भगवान को माला श्री डूंगरी आके और एक कॉरिडोर की सौगात दे रहे हैं। बहुत ही हमारे गुजर समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तानी वर्ल्ड के गुजरों के लिए एक बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालसेरी में अपने 2 घंटे के कार्यक्रम के दौरान भगवान देव नारायण की पूजा अर्चना के साथ साथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें राजस्थान के भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से इन सभी श्रद्धालुओं को, खास तौर पे गुज्जर समाज को ये उम्मीद है कि इस यहाँ पर कॉरिडोर बनने से यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी और यहाँ पर पर्यटकों के आने से, यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने से उनकी आमदनी और क्षेत्र का विकास भी होगा। कैमरामैन संजय जैना के साथ अभिषेक सिंह, DD News, मालासेरी, भीलवाड़ा।